नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लासी स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। जैसे कि हमने आपको कल ही वीडियो बता दी थी कि 30 अगस्त में हमारी वीडियो स्टार्ट होगी थी करंट अफेयर्स की, ठीक है, सुबह के 8 बजे। तो हम डेली इस तरीके की न्यूज़ ही आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। आज भी हमारे देखो 8 बज गए हैं, आज भी हमने अब स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एशियाई खेल 2018 में 10 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो उनका नाम है सौरभ चौधरी, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं, इसका स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आता तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भारत के 18वें एशियाई खेलों में 21 अगस्त को शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। भारत के लिए 16 साल के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सोना जीता, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है 2008 में किया गया था। स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि भारत द्वारा छोड़े गए चंद्रयान ने चांद को लेकर नई जानकारी दी है कि चंद्रयान ने चांद पर बर्फ होने की पुष्टि की है। चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन था जिसे SDSC शौर श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत जापान वार्षिक रक्षा मंत्री वार्ता 2018 किस शहर में आयोजित किया गया? टोक्यो, हिरोशिमा, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका आंसर है भाई नई दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। स्पष्टीकरण देख लेते हैं, जो इस रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है, के नियंत्रण पर जापान के रक्षा मंत्री इत्सुनेरी ओनोदेरा 19 से 20 अगस्त 2018 तक भारत की यात्रा पर आए। रक्षा मंत्री जो है निर्मला सीतारमण और जापान के रक्षा मंत्री इत्सुनोरी ओनोदेरा के बीच नई दिल्ली में रक्षा मंत्री स्तरीय वार्षिक बैठक आयोजित की गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 100% क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एशियाई खेलों में इतिहास में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो उसका नाम है भाई विनेश फोगत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके स्पष्टीकरण देख लो कि जो विनेश फोगाट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान बन गई है। विनेश ने महिला वर्ग 50 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा मुकाबले में जापानी पहलवान को मात दी है। बता दें विनेश ने वर्ष जो है 2014 में दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 48 किग्रा फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तान मूल की महिला को ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर चुना गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका नाम है महरीन फारूकी, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका, ठीक है, कि पाकिस्तानी मूल की महरीन फारूकी ने 20 अगस्त 2018 को ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम महिला सीनेटर, ठीक है, सभासद का सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, यह इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसका नाम है जिनेवा, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं हम, स्पष्टीकरण है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इसका नाम है ILO, ठीक है। ILO जो है की ओर से प्रकाशित इंडिया वेज रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 1993 के बाद 2 दशक तक भारत की औसत सालाना वृद्धि 7% रही, लेकिन न तो मजदूरी में इस हिसाब से बढ़ोतरी हुई और न ही अधिक असमानता में कमी आई, ठीक है। ILO का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, नोटा का उपयोग निम्नलिखित में से किस चुनावों में नहीं किया जाएगा? तो उसका नाम है भाई राज्यसभा चुनाव, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, तो उच्च न्यायालय
ने राज्यसभा चुनाव में इनमें से कोई नहीं नोटा विकल्प की अनुमति देने का इनकार कर दिया है। ठीक है, जो प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा हैं, ठीक है, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के पत्र मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाज़त देने वाली सूचना आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ जो नोटा का चिन्ह रहता था वो अब नोटा का चिन्ह नहीं होगा। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह नया क्वेश्चन है। इसका नाम है अटल नगर। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी स्मार्ट सिटी नया राजपुर का नाम अब अटल नगर होगा। ठीक है, अटल जी ने पोखरण विस्फोट कराया था, उनकी याद में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक बटालियन का नाम पोखरण बटालियन रखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में किसी राज्य में राज्यपाल को कितने सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है भाई 5 वर्ष। स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं 21 अगस्त को 7 राज्यपालों की नियुक्ति और तबादलों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो भारत के राज्यपालों को 5 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त हुए हैं। भाई उनका नाम है सत्यपाल मलिक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ऑप्शन मैंने 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि हाल ही में 7 राज्यपालों की नियुक्ति के तबादले पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है कि ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन है। जो लालजी टंडन है वह बिहार के हैं, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के, ठीक है, गंगा प्रसाद जो है वह सिक्किम के हैं, और सत्यदेव नारायण जो है वह हरियाणा के हैं, और बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड के हैं, और तदाकत राय जो है मेघालय के हैं, और कप्तान सिंह सोलंकी जो है वह त्रिपुरा के हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 किस शहर में आयोजित हुआ है। मनीला में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, गया में। तो इसका आंसर है भाई नई दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 अगस्त को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 को उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के सहयोग से किया है। यह सम्मेलन 23 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा, जिनमें कुल 29 देश भाग लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन है। उसका नाम है राही शरणोबत। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि जो राही शरणोबत है 25 मीटर पिस्टल में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटर महिला है। ठीक है, तो ये था आज के बारे में, हमने आपके करंट लेके आए हैं। ठीक है, आप इस तरीके से हम रोज़ सुबह के 8 बजे आपको करंट मिल जाया करेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको पता ही है, हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कि 1 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब। ठीक है, हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी में इसके 5 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके 100% आने की संभावना है। तो इसको प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना, इसको बार बार रिपीट करना, इन क्वेश्चन को एक अपनी कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।